नमस्कार हुकुम आप सब लोगों ने गणिमा नमस्कार। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंचती है तो एक बार आप बता दे रहे हो कि आप हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। हेलो, आवाज आ रही हो कम? हेलो हुकुम, आवाज आ रही है कहीं? आवाज आ रही हुकुम आ रही आपको ना? एक बार आप ठीक हुकुम मरुप्रदेश संस्थान चुरू कानीसु आयोजित कविवर साहित्य मनीषी कन्हैयालाल जी सेठिया रे जन्म 101वीं जन्म शताब्दी बरस रे इन मौके वो जो एक संवाद कार्यक्रम राख्यो है इनमें आज मैं मारी तरफ से महारा सेठिया जी रे प्रति जो को साहित्यिक विचार है वे आप तक मैं राखने चाहूँ। सबों पहली बात तो है कि सेठिया जी एक एड़ो व्यक्तित्व है जिनमें तो राजस्थान रा जितना भी आलोचक है या बड़ा रचनाकार है वे सब आप आपरी बहुत महत्वपूर्ण टिप देवी है। वह में कई वाने एक आदर्शी सीमा में बंधियोड़ो रचनाकार माने, कई वाने कालबोध रो कवि माने, कई वाने फगत रूपक रो रचनहार कवि माने, कई वाने एक संत कवि रे रूप में देखे तो कई वाने शब्द ऋषि रे रूप में और घणकरा जो को रचनाकार है या आलोचक है वे आदरजोग सेठिया जी ने एक आध्यात्म दर्शन रो कवि माने। लेकिन शुरुआती वाणी जो को रचना वा है वाणी आधार माते वाने काफी लोग प्रगतिशील और सामाजिक सरोकार से संबंधित भी रचनाकार माने। लेकिन आलोचकारी आपरी दीठ है, एक वाणी सोच है, लेकिन आ बात एक सर्वमान्य सत्य है कि सेठिया जीरी जो को रचनावा में है सेठिया जीरी कविता में पूरो राजस्थान बोले, इमें कोई मीन मेक नहीं है, इमें कोई शंका नहीं है। सेठिया जी रे काव्य ने समझण सु पहला अपन ने समझनो पड़ेला सेठिया जी रो वो जीवन जो को आजादी रे साथ है या आजादी सु पहली है। अगर आप सेठिया जी रे जीवन रे बारे में मैं थोड़ी सी आपने समय लेनी चाहूंगा बताने चाहूंगा कि 11 सितंबर 1919 में सुजानगढ़ में सेठिया जी रो जन्म रहे और प्राथमिक शिक्षा भी सुजानगढ़ में रहे और मेरे बाद में जो कुवाणी उच्च शिक्षा है बीए तकरी वे आपरे पिताजी रो व्यवसाय कलकत्ता है तो कलकत्ता से शुरू करें। लेकिन वाणो जो को ध्येय है असल में शुरुआत में एक युवा रो जो को ध्येय है वो वाणो ध्येय है राजनीतिक महत्वाकांक्षा और इन्हीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा रे पेटे वे अब आप देखो एक टाबर और जन्म 1919 में हुए और बहुत कम उम्र में 1934 में वो महात्मा गांधी सु मिलन सारू अहमदाबाद पूगे गांधी जी सु मिले और आपरे कमायोड़ा चार आना मारे देश री आजादी रे योगदान वास्ते वाने भेंट करे और ओ जो को गांधी जी वाणो मिलनो है या गांधी जी जो को गांधी री विचारधारा वाणे जो को अपनावनो है ओ लंबा समय तक चले ओ निश्चित रूप वाणी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा रोई एक रूप सामने आवे और इन दरमियान वे देश रे स्वतंत्र आंदोलन से जुड़ जावे गांधीवादी विचारधारा ने अपनावे अंग्रेजी सत्ता और सामंतवाद रो विरोध करें और सबों बड़ी बात एक जो को वाणे जीवन में उभरन आवे वो है सन 1936 में ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ जावे। इन्हीं दरमियान हरिजन सेवा सारू 1940 में एक स्कूल खोले और वटे हरिजन समाज रे टाबरा सारू आप बहुत महत्व काम करे ग्रामीण समाज री छोटी मोटी समस्याओं ने आप विशेष ध्यान देवे और गांधी जी इतना प्रभावित था कि वे चरखो काटे खादी पहरे और स्वदेशी अपनावे इरे साथ साथ अबला नारी रे वास्ते भी वे महत्वपूर्ण काम करे गरीब और मजदूर और किसान री वे आवाज बने। सेठिया जी री पहली रचना पहलो काव्य संग्रह जो को एक नीति काव्य संबोधन काव्य है
वो रमणिया रासोर्ट है 1940 में हवे। अटे आ बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि 19 राजस्थानी रो जटकोवाणो पहलो काव्य संग्रह रमणिया रासोर्ट है, उन्हीं साथे साथे वाणे हिंदी में भी पहलो काव्य संग्रह आवे वन फूल। तो आ बात निश्चित रूप में कह सकूं कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा रे साथे साथे हिंदी भाषा में साहित्य सृजन री एक परंपरा री जो शुरुआत करी उनमें सेठिया जी रो नाम बहुत महत्वपूर्ण है या सेसू अगवाणी आप कह सक। माइड भाषा रे मान्यता सारू भी आप प्रयास करें। और सबों बड़ी बात है कि राजस्थान एकीकरण रे समय सात चरणा में जिन टाइम राजस्थान रो एकीकरण हुए उन टाइम माउंट आबू सिरोही ने राजस्थान में लाने वास्ते सेठिया जी जो को प्रयास है वे बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। ये सब साहित्य अलग हिस्सा है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला जिन टाइम मैं पूरा खुलासो करूँगा। और सबों बड़ी बात है कि 1952 रा जो को विधानसभा चुनाव है राजस्थान रा, वहाँ विधानसभा चुनाव में सेठिया जी एक MLA रो चुनाव लड़े। बात अलग है कि वो MLA रो चुनाव में हार जावे। अब सेठिया जी जो को राजस्थानी री मूल रचनावा है वाणे मां थोड़ो सो मैं जिक्र करनी चाहूँ। एक असल में सेठिया जी रे जीवन ने दो भागा में बांट सका, पहलो 1919 ले और 1960 तक रो जीवन और दूसरो जो को है 1960 ले और 2008 तहीं रो जीवन। 1919 ले और 1960 तहीं रो जीवन जो को है वो सेठिया जी रो अपना आप में एक अहिंसावादी है या प्रगतिशील है जिनमें वाणी महत्वपूर्ण रूप तीन रचनावा पातल और पीतल, धरती धोरारी और कुण जमीन रो धनी ए महत्वपूर्ण है। और ए तीन रचनावा सेठिया जी रे जीवन में बहुत बड़ो बदलाव लावे आने जीवन रा महत्वपूर्ण जो को रचनावा है ए तीन रचनावा है। और ए तीनों रचनावा वाणे जीवन ने बहुत ज्यादा प्रभावित करे। रमणिया रा सोठा एक संबोधन काव्य है जो को रामनारायण प्रजापत वाणे मुनिम रो पोतो हो रामनारायण प्रजापत विने संबोधित करियोड़ी है। फिर बाद में वाणी एक मेजर रचना आई 1960 में गड़गचिया, 1962 में कुंकू, 1971 में लेलटास, 1973 में धरकुंचा धर्मजला, 1979 में शब्द, 1985 में माइड्रो हेलो, 1986 में सतवाणी, 1986 में अघोरी काल, 87 में दीट, 88 में कक्को कोडरो, 1989 में लिख लकोड़िया, 1991 में और राजस्थानी अंतिम जो को छेली वाणी काव्य रचना है वह है हेमाणी 1999 में आई। एक छोटी सी एक आधा मिनट में आपने मैं वाणी हिंदी रचना वारो भी मैं जिक्र करने चाहूँगा कि सेठिया जी ने जो को हिंदी रचनावा है वह किन तरह रही। असल में सेठिया जी राजस्थानी में 14 रचना रो काव्य रो सृजन करी और हिंदी में वाणी 18 रचनावा मानी जावे, दो और फुटकर रचनावा है। हिंदी रचनाओं में जो आप जिक्र करें तो पहली रचना आवे 1940 में वन फूल, फिर बाद में 42 में अग्निवीणा, फिर बाद में 48 में मेरा युग, 54 में दीपकिरण, 62 में आज हिमालय बोला, फिर खुली खिड़कियां चौड़े रास्ते, प्रतिबिंब, प्रणाम, मर्म, अनाम, निग्रंथ, स्वगत, देह विदेह, आकाशगंगा, वामन विराट, निष्पति, श्रेयस, त्रयी। दो छोटी छोटी रचनावां जो को है वाणी, एक है चीन ने ललकार और दूसरी है रक्त दो। हिंदी रे अलावा सेठिया जी उर्दू में भी दो पुस्तकें लिखी थी, एक रो नाम है ताजमहल जो 1995 में और दूसरी है 2001 में गुलंची। ऐसा सब रचनावा जो को है सेठिया जी रे विधावा ने सेठिया जी रे साहित्य प्रतिभावा ने महत्वपूर्ण रूप से उजागर करे। लेकिन मैं आपने पहले बताया कि सेठिया जी रे जीवन में वाणी तीन प्रमुख रचनावा जो को देश री आजादी रे समय लिखियोड़ी है वे तीन रचनावा वाणा जीवन में इतो जबरदस्त उछाल लावे। एक वाने सेठिया जी ने निर्णय लेनो पड़े कि वीर निर्णय रे वास्ते भी वाणी एक रचना जिम्मेदार है। असल में कई बार जरूरी को नहीं कि आप कितनी पुस्तकारी रचना करो या कितनी नहीं करो। बकीम चंद चटर्जी रो एक भगत गीत है वंदे मातरम जीरो आज पूरी दुनिया में वाणी पहचान है। मोहम्मद इकबाल रो एक गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाणी पहचान है। मेघराज मुकुल री फगत एक सेनानी आज वाने अमर कर दिया। लेकिन सेठिया जी रे जीवन में जो कि तीन रचनावा प्रमुख है वहां में पहली रचना है पातल और पीतल। आ रचना असल में 1942 में देश री जिन टाइम स्वतंत्रता आंदोलन चालतो हो वो एक कथा काव्य है और उन समय सृजियोड़ो है।
देश में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आजादी रो आंदोलन चल रही हो, राष्ट्र प्रेम सु परिपूर्ण ओ गीत असल में एक प्रतीकात्मक गीत है जिनमें महाराणा प्रताप ने आजादी, कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने स्वाभिमान और अकबर ने एक बाहरी अत्याचारी आक्रांतारू प्रतीक बताकर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अणथक लड़न री संकल्प री साख भरे। पड़ी गीत रे मार्फत सेठिया जी सामी कई आलोचक ओ भी आरोप लगावे जो को सेठिया जी अटे एक सबों बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कन्हैयालाल सेठिया जो को अपने आपने महात्मा गांधी रो अन्यायी माने, अहिंसा रो अपने आप में पर्याय माय कही जे, वो रचनाकार पाथर और पीथल माय लिखे कि अहिंसावादी आंदोलन का प्रबल समर्थक है, वे आचरण में महात्मा गांधी रा सबड़ा विचारक है, रमणिया रा सोटा माय महात्मा गांधी रे चरखा रो जोरदार वर्णन करे, वे बातें वेज कन्हैयालाल सेठिया पाथर और पीथल में लिखे, राखो थे मूछा एटोड़ी लोहीरी नदी बहा दूला, हूँ अथक लड़ूला अकबर छू उजड़ियो मेवाड़ बसा दूला। तो आज को समय री मांग है, अटे सेठिया जी समय रे अनुसार बदल रिया है, विचारधाराओं वे गांधीवादियों जुड़ा है, लेकिन गरम दल री बात रो समर्थन कर रिया है, देश री जनता ने जगा रिया है, देश रा युवाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़न री बात कह रिया है। इन्हीं गीत रो एक सेठिया जी माता आलोचक आरोप लगावे कि इन ओ जो को पूरो गीत है एक नदी री प्रवाह जी उचाले, लेकिन इन गीत री जो को अंतिम पंक्तियां हैं वे विन माते दूसरा आलोचक आप अपनी बात लाके वे लोग कहवे कि गीत रे अंत में एक शब्द आवे हिंदवाणी और तुर्कानी, ओ हिंदवाणी और तुर्कानी जो को शब्द है वे लोग आ कहवे कि वो सांप्रदायिक सद्भाव रो प्रतीक नहीं है, पर असल में वहाँ लोगों ने मैं बतावने चाहूँ कटे हिंदवाणी शब्द रो अर्थ है हिंदुस्तान री वाणी, किणी समाज विशेषों किणी धर्म विशेषों नहीं है, आम जनरी आवाज सु है, इन्हीं कारण सेठिया जी अटे हिंदवाणी सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुने ही इन शब्दों अटे प्रयोग करने लगे। कहूँ रो मतलब मारो कि सेठिया जी सदैव सामाजिक सद्भाव सु रा भाव आपरे ही राख्या आखरा माय मांडिया और आखी दुनिया ने ओइस भाव वे प्रदर्शित करियो या रहियो। सेठिया जी ने सांप्रदायिक सद्भाव री साख स्वरूप अपवाणा रमणिया रा सोटा भी देख सका, वाणो एक सोटो है कि वो तो है सब ठोर मंदिर मस्जिद के धरियो करो जटे ही गोर रमे बटे ही रमणिया। एक सोटो और है नहीं मंदिर में वास नहीं मस्जिद में मैं वसूं मैं भगतां रो दास रमतो जोगी रमणिया। ए रमणिया रा सोठा जो को वाणे सांप्रदायिक सद्भाव री बहुत प्रबल साख भरे। दूसरो जो को वाणो महत्वपूर्ण गीत है वो है धरती धोरारी। असल में वो गीत राजस्थान रे एकीकरण रे लगे टगे 1954 में लिखियोड़ो है। वो एक गीत बौद्ध गीत है और उन समय सेठिया जी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्रिय है, जिन समय राजपूतानारी अलग अलग रियासता जागीरा ठिकाना ने जोड़ सरदार पटेल राजस्थान रे एकीकरण में लागियोड़ा, तद सेठिया जी आप रे इन गीत रे पाण प्रदेशी जनता ने जोड़न रो महत्व काम करियो। सेठिया जी इन गीत में माउंट आबू सिरोही ने राजस्थान में जोड़न सारू सेठिया जी खुद भीड़ उठावे और इन बाबत घना सकारात्मक काम ही करिया। इन गीत रे मुजब सेठिया जी माउंट आबू और सिरोही रे सागे ईडर और पालनपुर ने राजस्थान में मिलावने चाहता है, या वाणी मनसा ही के ईडर और पालनपुर ने भी मैं राजस्थान में मिला दूंगा या मारा प्रयास सफल बेजाला, लेकिन वाणी नेतावारी मनगत नहीं जानी और ईडर और पालनपुर रे रूप में सेठिया जी ने सफलता नहीं मिली, पर वे धरती दोरारा इन गीत में ईडर और पालनपुर रो भी जिक्र राजस्थान के रूप में करे। वे लिखे कि ईडर पालनपुर है ईरा सागी जामण जाया वीरा ए तो टुकड़ा मरु रे जीरा धरती धोरारी मारवाड़ रे क्षेत्रवा ने जीवरा टुकड़ा बतार। सेठिया जी आपने धरती धोरारी गीत में ईडर और पालनपुर रो जिक्र भी करियो, लेकिन सेठिया जी री आ गेय रचना काल जय सिद्ध हुई। सेठिया जी जिन समय रचना ने लिखी शायद वे भी कल्पना नहीं करी वेला कि आ रचना वाने कितो बड़ो एक मुकाम देवेला कितो बड़ो ऊंचाई माते वाने ले जावेला। भाषाई मिठास लोक शैली रे कारण आ रचना लोक रे कंठारो हार बन गई। सेठिया जी रे नाम रो डंको फगत सुजानगढ़ राजस्थान या भारत तक की नहीं बल्कि सात समंदर पार पूगो और इन्हीं रचना रे पाण सेठिया जी राजस्थान रा सेसा अगवाणी कवि बन जावे या इन रचना माते आखो राजस्थान अंजस करे। पर अटे सबों महत्वपूर्ण बात आ है कि अटे एक सवाल खड़ो हुए
क्योंकि सेठिया जी 1940 में राजस्थानी रे साथे साथे हिंदी में भी रचना, हिंदी में भी कविता लिखन लागा। अगर धरती दोरारी राजस्थानी भाषा में नहीं लिखकर हिंदी भाषा में लिखता तो कहीं आज सेठिया जी बन सकता कहीं? निश्चित रूप में इन मानू कि अगर आ रचना आपरी मायड़ भाषा में नहीं वेती तो ओ लोग, राजस्थान रो लोग ई रचना ने उन रूप में नहीं स्वीकार करतो जिन रूप में आज स्वीकार करी और आपरे कंठारो हार बनाए हुए। सेठिया जी ने तीसरी जो को महत्वपूर्ण रचना है वह रचना है कुण जमीन रो धनी। आ रचना 1945 में लिखी, प्रगतिशील विचारधारा जितना भी रचना खा रहे है वे सब इन्हें रचना ने सराहे और रचना भी बड़ी बहुत जबरदस्त है कि कुण जमीन रो धनी, हाड मास चाम गाड़, खेत में पसेव सींच, लू लपट ठंड में से सवे दांत भींच, फाड़ चोक कर करे जोतनी रे बोवणी, ओ जमीन रो धनी के बो जमीन रो धनी, मद पीवे उड़े मजा करे जुलम सैकड़ी, ठग बणिया ठाकरा हद हुई है कड़ी, रात दिन रैयत ने लूटनी रे खोसणी, बो जमीन रो धनी के ओ जमीन रो धनी। ये दो छंद ई रचनारा मैं आपके सामने राख्या हूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आ मानू के सेठ या जरी आ तीनों गीता में और आज जो कविता है कुण जमीन रो धनी आ सबों ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका लिभावे वाणे जीवन आगला जीवन ने तय करण सारू। इन गीत में सेठिया जी समाज रे सामी जो को सवाल खड़ो करे वो सवाल जितो महत्व नहीं है कि इन जमीन रो धनी कौन है, उन समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कविरी हिम्मत, उन समय आप बात करनी अपने आप में बहुत बड़ी बात माननी चाहिए या बहुत बड़ी बात ही। सेठिया जी रो वो गीत उन समय रची जियो जिन समय आखा राजपूताना मां एक अग्नि बाण रो काम करे, फगत एक गीत, एक तरफ वाणी एक पुस्तक है अग्निवीणा जो को 1942 में लिखी, पूरी पुस्तक जो को देश रे आजादी रे खसारू युवा ने प्रेरणा देवे, लेकिन वी पूरी री पूरी पुस्तक माते वाणी ओ एक गीत जो को भारी पड़े और इन जागीरदारी पर थारी है वो गीत जड़ा हिलाए नाखे। गरीब मजदूर किसान और आम आदमी इन गीत ने आपरे कंठारो हार बनावे और गुमेज रे सागे गावे, पण एक वर्ग विशेष जको है जिन्हें जो को सामंतवादी प्रथारो समर्थक है या जागीरदारी प्रथारो जो को समर्थक है वो इन गीत सु सेठिया जी सु आप नाराजगी राखे। अठे मैं सेठिया जी अग्निवीणा रो एक बार पाछो उल्लेख करनी चाहूंगा कि अग्निवीणा हिंदी में वाणो बहुत बड़ो एक महत्वपूर्ण काव्य है जो को 1942 में देश री आजादी रे समय युवाओं ने प्रेरणा स्वरूप लिखियो और आ अग्निवीणा रचना अंग्रेजा रे खिलाफ आंदोलन में उतरण नी प्रेरणा देवे। पण इन अग्निवीणा माथे ही बीकानेर राज परिवार काने सु बीकानेर रियासत काने सु वण माते राजद्रोह रो मुकदमो लगाई जे। अब आ ठीक है कि देश री आजादी रे पछे जो को है वो मुकदमो पाछो ले लीजे, लेकिन सेठिया जीरो आ रचना है ई रचना माते राजस्थानी रा आलोचक बहुत महत्वपूर्ण बात रखे और उन्हीं आलोचक में एक महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर अर्जुन देव चारण। वे राजस्थानी आपरी आलोचना री पोथी बगतरी बाड़खरी में लिखे कि बेहतर समाज री थर्पणा रो सपनो लिया उ भी आ कविता शोषक और शोषित रे फर्क ने समझावे, आ आपरे सामाजिक ने उनरे हका सारू लड़न रो आह्वान करे करसे और मजदूर री पीड़ा बांसती आ कविता सामंतवाद और पूंजीवाद दोनों ने नकारे और धरती ने असली धनी री तरफदारी करे। इनने राजनीतिक स्तर माथे देखा तो वो साम्यवादी और समाजवादी दीठरो भेड़ कहो जा सके। आज जो प्रगतिवादी सोच री रचना है आ रचना सेठिया जी रे जीवन ने हद भांत करे। अठे मैं आ बात कहूं कि सेठिया जी री हिंदी काव्य रचना अग्निवीणा अणुते क्रांतिकारी है, पण वे लोक रे है ये नहीं बन सकी जद के वारो मायड़ भाषा में लिखियोड़ो वो गीत कुण जमीन रो धनी लोक रे अंतस में रम जावे, कंठारो हार बन जावे। कहण रो मतलब हो कि सेठिया जी रो मायड़ भाषा माई लिखियोड़ो वो गीत वारी अग्नि वीणा पोथी माते पूरो भारी पड़े। अब आप समग्र रूप में अगर तीनों गीता ने देखा तो हमें एक विशेषता जो समान एक समान रूप से सामी आवे वे है कि ये तीनों ही गीत सेठ या जीरी कीरत रा आधार स्तंभ कहे जावे और ये तीनों ही रचना रे पाण सेठ या जी ने जको एक ऊंचाया मिले वाणी बादरी रचना वास्ते सेठ या जी उन रूप में नहीं जाने जे जिन रूप में धरती धोरारी पाथड़ और पिथड़ या कुण जमीन रूप में जाने जे।
दूसरी बात, ए तीनों ही गीत लोक शब्दावली में ही लिखियोड़ा है। आप सेठिया जी री 1960 री बाद री जितनी भी रचना हुआ है वाणी अगर आप भाषा शैली देखो तो बहुत ही गंभीर भाषा शैली है, पर 1960 से पहली जितनी भी वाणी रचना हुआ है वे बिल्कुल सरल और लोक शब्दावली में लिखी जोड़ी है या रचियो जोड़ी है। आ तीनों ही गीता रे सृजन रो जो को आधार है वो देश री राजनीतिक परिस्थितियां और सामाजिक स्थितियां है। इमें धर्म दर्शन अध्यात्म सत्य न्याय स्वर्ग नरक पुण्य आमे कीन है। और सेठिया जी री रचनावा जो को है वे अपना अपने क्रांतिकारी रे रूप में क्रांतिकारी रे सबड़ा समर्थक रे रूप में सामी आवे, पर 1960 रे रूप में बाद में वह में अचानक बहुत ज़्यादा बदलाव आवे और वो बदलाव वाने हद भाव अलग दिखावे या एक न्यारी रूप में माने ले जावे। असल में सेठिया जी जो मैं चीज मूल रूप से कहने चाहूँ आपने कि जिन समय सेठिया जी 1952 में विधानसभा रो चुनाव लड़े और वाणी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही या जो राजनीतिक चेतना ही उन चेतना ने सफलता नहीं मिले, क्यों कि वाने वो चुनाव हारनो पड़े। और जब वे इन चुनाव ने हारे तो वाणी राजनीतिक चेतना ने इतो बड़ो आघात लागे कि सेठिया जी में आमूल चूल परिवर्तन आवे और वे आपरे जीवन रो बाकी रो जो को ध्येय है वे आपरो पूरो जीवन साहित्य ने समर्पित कर दे। और वे लोक सेवाओं भी धीरे धीरे 1970 तक वे लोक सेवा में रहे, लेकिन 1970 के बाद में लोक सेवाओं भी वे अलग भेजावे और आपरो पूरो जीवन शब्द साहित्य री साधना में लाग जावे। एक में आठ दिना में सेठिया जी एक पुस्तक देखी, आ एक बड़ी पुस्तक है सेठिया जी पत्रों के प्रकाश में कन्हैलाल जी सेठिया, इरा संपादिका राधा भालोदिया जी है। इनमें करीब आज 935 पाना और बड़ो ग्रंथ है और इन ग्रंथ रे मैंने सेठिया जीरा बहुत महत्वपूर्ण कागजारो प्रकाशित करोड़ा है। मैं सेठिया जी रचनाओं माते पाछी बात ले जाने चाहूंगा, उससे पहले एक छोटो सो जिक्र है, बहुत महत्वपूर्ण जिक्र है, वाने जीवन ने बहुत नयो मोड़ देवे कि नहीं बताणु आने पत्रार मार्फत सामी आवे तो मैं बताने चाहूँ। ए पत्र जो को है खास तौर से पत्र में बहुत महत्वपूर्ण अलग बात देखने मिले। 935 पानारा इन ग्रंथ में खास तौर से राजनीतिक साहित्यिक भाषाई और लोक सेवा से जुड़ा कागज प्रकाशित करी जिया है। आ कागदा माए गणकरा कागज सेठिया जी रे नावरा आयोड़ा है और की कागद सेठिया जीरा लिखियोड़ा है जो को समय रे मुझे आप रो बहुत महत्व राखे। आ पांच अठे इनमें पांच दृष्टियों इनमें पूरी कागदा ने बांट सका, लेकिन खास तौर से जो की महत्वपूर्ण बात है वह इन कागदा रे इन ग्रंथ रे मार्फत में आपते पुगाने चाहूँ। पहली सब महत्वपूर्ण बात है कि 1960 सौ पहला साहित्यकार रे बजाय देश प्रदेश रे राजनेता सु सेठिया जी रो ज्यादा जुड़ाव रही है। 1960 सौ पहला देश रे साहित्यकारा सु चाहे वे हिंदी रा साहित्यकार है या राजस्थानी रा साहित्यकार है, साहित्यकारा के बजाय वाणो राजनेता वहां सु बहुत ज्यादा घनिष्ठ जुड़ाव या घनिष्ठ संबंध रही है। और वहां राजनेताओं में प्रमुख अगर दो चार में नाम आप तक लेनी चाहूं तो वहां में स्वयं महात्मा गांधी है, राम मनोहर लोहिया है, जयप्रकाश नारायण है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जयनारायण जी व्यास है, रघुवर दयाल गोयल है, कुंभाराम आर्य है, चंदनमल वेद है, रामेश्वर टाटिया है, हरिदेव जोशी है, लक्ष्मण सिंह भी है, गुमानमल लोढ़ा है, नाथुराम जी मिर्दा है, नवल किशोर जी शर्मा है और बहुत सारा नाम है इनमें। लेकिन एक बात में अटा निश्चित रूप हुआ कहने चाहूँ कि अगर सेठिया जी 1952 रा चुनाव में विजय वे जाता तो आज जो को कन्हैलाल सेठिया री पहचान राजस्थानी भाषा रे कवि रे रूप में है उन रूप में पहचान नहीं हुई, एक राजस्थान री राजनीति में एक महान राजनेता रे रूप में आज वे ओळखीस्ता या आज वे जाण्या जाता। लेकिन वाणी वह असफलता वाणु राजनीतिक सपनों वाणी राजनीतिक चेतना ने माने मोड़े और वे साहित्यकानी आ जावे। और 1960 रे बाद रे वाणा जो को राजनीतिक संबंध है वे धीरे 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 कम हो जावे और साहित्यकानी जुड़ जावे। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन पत्रों सामी आवे के कन्हैलाल जी सेठिया रचनाकारा में भी राजस्थानी रचनाकारा रे बजाय हिंदी रे रचनाकारा रे बहुत ज्यादा संपर्क में हा या बहुत ज्यादा वाणे घनिष्ठ रिश्तो हो। वहां रचनाकारा में हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, गुलाब खंडेलवाल, मैथिली शरण गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रघुवीर सिंह,
नीलकंठ तिवारी, यशपाल जैन, वीरेंद्र कुमार जैन, बाल कवि वैरागी, कुबेरनाथ राय, विद्यावती कोकिल, भवानी प्रसाद मिश्र, जैनेन्द्र कुमार, विष्णुकांत शास्त्री, धीरेन्द्र कुमार, वियोगी हरि, सुमनेश जोशी वगैरह वगैरह बहुत सारा नाम इमें और ले सका। पण अठे इन ग्रंथ में प्रकाशित एक कागज में आपरे अठे उल्लेख करने चाहूँगा, एक कागज ने मैं कोट करने चाहूँगा। पण विचार करनी बात आ है कि ध्यान देवनी बात आ है कि हिंदी भाषा रा रचनाकार सेठिया जी ने वो मान सम्मान कदे ही नहीं दियो जिनरा वे हकदार हा। क्योंकि हिंदी भाषा रा रचनाकार सेठिया जी ने फगत राजस्थानी रचनाकार रे रूप में ज राखनी और देखनी चाहता। अठे एक में कुबेरनाथ राय रो जो कोई कागज है वो मैं आपने सुनाने चाहूँ पढ़न के वे आप मनगत कहीं लिख रिया है। वो कागज जब कन्हैयालाल जी सेठिया वाने आपरी पोथी प्रणाम भेजे और तो भी प्रणाम पोथी मिलन री खुशी में और भी पोथी माते आपरी प्रतिक्रिया रे रूप में 27 जनवरी 1973 ने वो कागज लिखे। वो कागज री मैं आपने कोट रूप वाणा जो को शब्द है मैं आपने बताने चाहूँ। कुबेरनाथ राय लिखे कि आप राजस्थानी के मजे हुए गीतकार हैं, यह मैं अपने मित्रों से सुन चुका हूँ, परंतु एक शिकायत है, आपके समूचे गीत काव्य को उत्तम कोटि की उत्तम कोटि में रखते हुए भी उसे सामान्य ही कहूँगा, उसमें कोई विशिष्टता नहीं लगी। मैं आशा करता हूँ कि इस विशिष्टता को आप अगले संग्रह में उपस्थित करेंगे। विशिष्टता से मेरा तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि आपकी कविताओं को पढ़कर यह नहीं लगा कि यह राजस्थानी मनोभूमि से उत्पन्न है, उसमें राजस्थानीपन का अभाव है। जिस तरह बांग्लादेश के कवियों में उनका बांग्लापन झलकता है, उसी तरह राजस्थानी के हिंदी कवि से भी उसकी राजस्थानीपन झलकने की अपेक्षा करता हूँ, विशेषतः उस कवि से जो खुद राजस्थानी में लिखता हो। केवन रो मतलब है मारो कि हिंदी भाषा साहित्य में उन्हीं रचनाकार ने महत्व दरीज तो जो को फगत और फगत उन समय हिंदी में लिखतो, आपरी प्रादेशिक भाषा में जो को नहीं लिखतो। और यार इन यूं कह सका कि जो को लेखक आपरी क्षेत्रीय भाषाओं में सृजन नहीं करतो, उन नहीं हिंदी भाषा रचनाकार महत्वपूर्ण मानता या बिना आपरे बिरोबर स्थान देता। इंद्र अलावा सेठिया जीरो कई जो को मानवा संत साहित्य है, संत रचनाकार है, जीव आचार्य तुलसी है, आचार्य रजनीश है, गोरखपुरा बाबा राधा है, स्वामी परमानंद सरस्वती जी है, वे भी वासवी बाणा बहुत एक मधुर और आत्म रिश्ता रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है राजस्थानी रचनाकारा सो सीधो जुड़ाव। लेकिन राजस्थानी रचनाकारा सो सीधो जुड़ाव और 1960 तक तो संभव ही नहीं हो और 1980 रे लगे टगे वो जो को है वाणो जुड़ाव साथे आवे। अगर ग्रंथ रे आधार माते या अन कागदा रे आधार माते अगर मैं कई साहित्यकारा रो जिक्र करने चाहूँ कि राजस्थानी रा किया क्या रचनाकारा सो कन्हैयालाल जी सेठिया रो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रिश्तो रियो, भी वो एक कागज में एक मिनट कोट करने चाहूँगा जो कि वो कागज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध है। प्रमुख रचनाकारा में जीरो सेठिया जीरो सीधो जुड़ाव रियो वह मैं प्रमुख रूप से वे जो को नाम ही में धीरे जिया है वह है श्रीलाल नथमल जोशी, नरसिंह राजपुरोहित, बैद्यनाथ पवार, सांवर दैया, भूपति राम साकरिया, नरोत्तम स्वामी, कन्हैयालाल सहल, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, श्रीलाल नथमल जोशी, कैलाश दान उज्ज्वल, तारा प्रकाश जोशी, हीरालाल माहेश्वरी, सीताराम महर्षि, किशोर कल्पनाकांत, मनोहर शर्मा, रावत सारस्वत, जहूर खां मेहर, शक्तिदान जी कविया और दो चार नाम और फुटकर है। पर इन ग्रंथ में जिन समय राजस्थानी रे रचनाकार रे कागदारी में विगत देखूं उन टाइम बहुत सी बातें सामी आवे और अचरज री बात तो आ है कि इन इतना बड़ा ग्रंथ माए राजस्थानी रा भाषारा कई महत्व रचनाकार है जीरा कागज शामिल वेणा चाहिजता, लेकिन किन्हीं कारणवश वे इमें सम्मिलित नहीं करी दिया। ज्यों विजयजान जी देथा है, नारायण सिंह जी भाटी है, सीताराम जी लालस है, चंद्र सिंह है, सत्यप्रकाश जी जोशी है, रेवदान जी चारण है और भी बहुत सारे रचनाकार है जारा कागज सेठिया जी ने इन ग्रंथ में सम्मिलित नहीं करी दिया। एक कागज रो मैटे जिक्र करने चाहूँ विणसु ओ लागे कि सेठिया जी वो कागज 1985 में डॉक्टर नरसिंह जी राजपुरोहित सेठिया जी ने लिखे वाण सेठिया जी रो कागज मिले और वाण जब्बा में पाचो नरसिंह जी राजपुरोहित वाने कागज लिखे। वे कागज दो मैं कोट करने चाहूँ कि इन कागजों एक बहुत बड़ी बात सामने आवे बात आ है कि
डॉक्टर नरसिंह राजपवित्र एक कागज उजागर जो को सामने कर रही हूँ कि साहित्य अकादमी में खेमा बंदेरो इतिहास बहुत पुराना रही हो और आ अकादमी माते प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से सेठिया जी पूरी पकड़ रही। कागज बिल्कुल मैं आपे सामी जो को नरसिंह जी राजपवित्र है वाणो एक एक अक्षर उन्नीस रूप में पढ़न सुनाने चाहूँ और नरसिंह राजपवित्र 24 जून 1985 में वो कागज सेठिया जी ने लिखे राजस्थानी साहित्य अकादमी में संस्कृति रे गांधा ने लेर पूनम चंद जी विष्णु रे नाम लिखियोड़ो आप रे कागज ने देखकर मने घनी खुशी हुई। शूद्र स्वार्था सु प्रेरित होने ओ गांधो जिन लोगा पजायो हो अबे तो बे समझ गया कि हमारी स्वार्थ पूर्ति संभव कोनी। आप इन सवाल ने उठाए घणो ओछो आछो काम कियो अबे लाग आपने इन गांधा ने निकाल नेचो करनो है। कहूं रो मतलब वो है कि आ कागजासू भी लागे कि सेठिया जी फगत एक आपरे घर तक सीमित नहीं है साहित्यिक राजनीति जटे वेती वे जिन टाइम सक्रिय राजनीति सु बारे आ जावे लेकिन अकादमिया स्तर तक साहित्यिक राजनीति है वह में भी सेठिया जीरो महत्वपूर्ण दबदबो सामने आवे। तीसरी महत्वपूर्ण कागज है राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता रे वास्ते। इनरे अंतर्गत एक बात सामने आवे कि कन्हैलाल सेठ या देश री आजादी सु पहला राजस्थानी ने संविधान री 8वीं अनुसूची में जोड़न सारू आपरो बहुत महत्वपूर्ण प्रयास करियो और मारो वो प्रयास आज भी वंदनीय है अभिनंदनीय है। इन ग्रंथ में ठाकुर राम सिंह तंवर रो मायड़ भाषा राजस्थानी रे प्रति समर्पण और संवैधानिक मान्यता रो प्रयास कई कागदा में सराई जियो। इड बात सेठ या जीरा कई कागद जो को राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता सारू राजनेता साहित्यकारा और अकादमिया ने लिखी जाए वे भी इरे सामी रूप आवे। आ महत्व कागदा में एक कागद है जो को 14 नवंबर 1949 लिखियोड़ो है और वो कागद लिखियो है गोकुल भाई भट्ट। आप सब नाम जानो राजस्थान में कोई छोटो नाम नहीं है गोकुल भाई भट्ट पहली प्रजामंडल मेवाड़ में जुड़ोड़ा और फिर बाद में आप सांसद बनगा तो जिन समय 1949 में आप सांसद रे रूप में दिल्ली में रहे तो उन समय सेठिया जीवा ने कागज लिखे कि आप राजस्थानी भाषा ने 8वीं अनुसूची में शामिल करवाओ तो वीरे जवाब रे महीने जो कहे वे गोकुल भाई पट आपरा कागज में लिखे आज आप राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता सारू बहुत बड़ा बड़ा कारण बतावा कि राजनेता मानसिकता नहीं है साहित्यकार प्रयास नहीं कर रहा है युवा पीढ़ी लारे सरक रही है महिलावा साथे नहीं आ रही है आप बहुत सारा कारण गिनावा पर असल में एक महत्वपूर्ण कारण जो आज तक आप जान नहीं पाया वो महत्वपूर्ण कारण गोकुल भाई भट्ट आपरा उन कागज में लिखे। गोकुल भाई भट्ट आपरा 14 नवंबर 1949 उन कागज में लिखे सेठिया जी ने कि अगर राजस्थान की किसी रियासत ने राजस्थानी को पहले से स्थान दिया होता तो आज राजस्थानी को समर्थन होता। सब रियासतों ने हिंदी को ही राजभाषा मानी थी इसलिए मुझे खास मौका नहीं मिलता। केवन रो मतलब हो कि राजस्थान एकीकरण रे समय राजस्थान रो एकीकरण जिन टाइम 7 चरण में वियो पहला चरण सु ले और 7वां चरण ताई तो जिता भी रियासत भी एकीकरण में जुड़ती रही वे सगली री सगली पहली लेन छेली तक आपरी भाषा जको है हिंदी रे रूप में मानी। गोकुल भाई भट्ट आ बात लिखे जे वे रियासत उन समय राजस्थानी ने महत्व देती या राजस्थानी शब्द राखती तो निश्चित रूप में भी देश री आजादी रे समय राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती। पर अटे सब महत्वपूर्ण बात आ है कि एकीकरण रे समय रियासतारी आपरी निजी सरता ही और सरकार री आपरी निजी सरता इन खींचताण माई आम जनता रे मनरी पीड़ मायड़ भाषा री पीड़ किणने पड़ी ही सो आपारी मायड़ भाषा ने संवैधानिक मान्यता रो हक नहीं मिल सक्यो तो नहीं मिल सक्यो। इन साथ ही इन बड़ा ग्रंथ में सेठिया जीरा जो को पानी समस्या रहा है हरिजन समाज री सेवा रहा है स्त्री शिक्षाओं संबंधित है प्राथमिक शिक्षाओं संबंधित है अकाल संबंधित है वे सगला रा सगला जको कागज है या सामाजिक कुरीतियां रे विरुद्ध है या माउंट आबू ने राजस्थान माउंट आबू और सिरोही ने राजस्थान में लाउंड रो जको एक बहुत बड़ो प्रयास है वो सेठिया जीरो है। इन तरह रा बहुत सारा कागज जको है वे सेठिया जी आप ऋण में शामिल करीजिया है राखीजिया है। मैं आ कागदार साथ ही सेठिया जी रचनावा बाबत तो हरेक रचनाकार आपरी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी रखे हरेक आदमी जाने वाणी रचनावारे बारे में लेकिन राजस्थानी
आलोचक सेठिया जी री रचनावां रे बारे में आपरा कई विचार रखे या कई माणी मानसिकता है वे बेबाक है। और जका भी आलोचक आलोचना रे दीड सूरा सेठिया जी माते काम करियो, मैं मानू कि वाणो काम बिल्कुल सही और एक महत्वपूर्ण काम है जो को आम पाठक तई भी पोगनो चाहिए। मैं वहाँ आलोचका री दीठ आप तई राखू, महत्वपूर्ण दीठ है वा। उनसु पहली संक्षिप्त रूप सु फकत दो चार मिनट में जी सेठिया जी री जो को राजस्थानी री प्रमुख रचनावा है वह रचनावा माते मैं आपरी मारी बात आप तक तो राखनी चाहूंगा। राजस्थानी रचनावा रे पेटे सेठिया जी री पहली रचना है रमणिया रा सोरठा। असल में नीति काव्य परंपरा में दुआ छंद माई लिखी जुड़ी आ रचना है। इमें 72 सोरठा है जिमें 69 सोरठा रमणिया ने संबोधित है और 3 सोरठा महाराणा प्रताप सु जुड़ा है। इन सोरठा माई नीति अध्यात्म देश प्रेम सांप्रदायिक सद्भाव जीवन री निश्वरता व्यसन मुक्ति मानवीय चित्त वृत्तियां और जीवन मूल्यारो सजीव वर्णन है। दूसरी रचना अब आप देखो राजस्थानी री पहली रचना 1940 में आवे रमणिया रा सोरठा और दूसरी रचना मिजर आवे 1962 में, जबकि इन दरमियान हिंदी री वाणी 3 काव्य संग्रह सामी आवे। 1962 में आ रचना जको आई इनमें 1944 में लेन 1960 तैरी जितनी भी राजस्थानी रचनावा है वे सगली रचनावा इन मिजर काव्य संग्रह में आ जावे। और इन माए प्रकृति संस्कृति पंखेरु रूखारे सागई कवीरो अध्यात्म दर्शन और प्रगतिवादी सोचरा वे पाथल और पिथल धरती दोरारी कुण जमीन रो धनी वे सगड़ा गीत इन मिजर रचना में आपने देखने ने मिले। 1962 रे छेड़े में एक और किताब आयो वाणी गड़गचिया। असल में एक राजस्थानी गद्य गीत है जिन्हें कई लोग राजस्थानी गद्य चित्र भी कहवे। कम सु कम शब्द माई भावारी गंभीरता भाषारी सामर्थ्यता या यूं कहवा के कवीरे जीवन रो जो को अनुभव है उन अनुभव रे उणियारे इनारो ओ गड़गचिया ग्रंथ रचियोड़ो है। और इनरी एक और महत्वपूर्ण बात है वह है इनमें राजस्थानी कहावता और मुहावरा रो एक विशिष्ट प्रयोग। इन गड़गचिया रो डॉक्टर भगवती लाल जी व्यास जो को है वो हिंदी में इरो अनुवाद भी करियो थो। एक बान के रूप में एक रचना है हमारी अमावसर पूनू में एक हथेली जतेक चांद रो तो फर्क है। सेठिया जी चौथी महत्वपूर्ण जो करती है राजस्थानी में वह है कुंकू। 1971 में आ रचना प्रकाशित हुई इनमें 71 कविताएं हैं। इन काव्य में कवि रो गहन चिंतन साफ झलके तो सागे कुदरत सागे नुवी उपमावा और रूपक सामी आवे। सरल और कम शब्दा में बहुत गहरी बात मांडे। एक रचना आप तक पुगो वाणी बीज जद पाके करड़ो हुए, बीज जद पाके करड़ो हुए फल जद पाके कौड़ो हुए, क्रिया सुन्यारो है कारण रो स्वभाव आ जाने वो ही करसी आत्मार देहरो न्याव। सेठिया जी री पांचवी काव्य रचना है वह है लीलटांस। असल में लीलटांस पूर्ण रूप से आध्यात्मिक आपा नहीं कह सका। यूं देखो जाओ तो लीलटांस रो जो को अर्थ है एक अभिव्यंजनात्मक अर्थ है। मुक्त जीव आत्मा जो को संसार रे बंधन सु बिल्कुल मुक्त है। इंद्र सागे इमें संस्कृति ग्रामीण संस्कृति भौम ऋतुआ औद्योगिक विकास और परंपरावां जेड़ा विषय सो भी कवि एक नई दीटी में उजागर करी है। कुदरत और परमात्मा रे सागे आत्मारी अपनायत ई लीलटांस रो मूल सुर आपा कह सकत। आनी रचनावां आप सब लोग जानो हो, मैं वहां रचना में आप तक नहीं सुनाए वाणे रचनावां माते जो को आलोचक महत्वपूर्ण कहीं दीट रखे वह मारो ध्येय है। उन तक पुगण सारू ए संक्षिप्त रूपों में मारी बान के रूप में आप तक आ बात राख रही हूं। छठो वाणो ग्रंथ है वो है धर कूचा धर्म जला। इन काव्य संग्रह माई 156 दुआ है जिनने आपा सेठ या जीरे अनुभव रही परिपक्वता रो अमर फल कह सका। कवि मिनक जीवन ने एक बटाउरी भांति जानर खुद रे जीवन अनुभव ने काव्य अनुभव में ढाले और इन रो मूल सुर भी आध्यात्मिक की जय। अठे आध्यात्मिक साथ मारो मतलब है जड़ सु चेतन रो संवाद करनो, जड़ सु चेतन रो संवाद करनो। सातवो वाणो काव्य संग्रह है सबद जो को 1985 में प्रकाशित पियो। इस ग्रंथ में इन काव्य में 109 दुआ छंदबद्ध है जो को आत्मतत्वी प्रधानता लियोड़ा है। असल में सेठिया जी माय जीवन मरण मुक्ति ब्रह्म ये सब चीजा आपरी नवी दवी दीड़ सुबे खंगाले और वो काव्य
कवीरी खुदरी हस्तलिपि माए प्रकाशित है, आ भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आठवों बाणों जो को काव्य संग्रह है वो है माइड्रो हेलो, 1986 में प्रकाशित हुए। राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता जो को पीड़ नहीं मिलनी है वह पूरी पीड़ सेठ या जिरी आपरीण माइड भाषा रा हेलो में आप दे सको, और किन तरह वे एक सामाजिक सरोकारी आ एक काव्य संग्रह आप साहित्य जगत सामी राखे। और भी एक दोहो आपने सामी राखूं कि माइड भाषा बोलता आवे जिणने लाज, इसिया कपूता सो दुखी आखो देश समाज। नौवां वाणो राजस्थानी संग्रह है सतवाणी, 1986 में जायो। और सतवाणी असल में संत कबीर री जो को विचार निर्गुण विचारधारा है और निर्गुण विचारधारा सु प्रेरित है, और उन्नीस दीप सु ओ काव्य संग्रह शब्द और धर कूचा धर मजला जेड़ो एक इणमाई दोनों ने एक समान रूप सु आप मान सका। और काव्य रे अंत में 16 छंद जैन धर्म रे पंच महाव्रत सु जुड़ोड़ा है, जिनमें सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तय वगैरह वगैरह जो है वे भी इमें 16 छंद जुड़ोड़ा है। दसवो वाणो काव्य संग्रह है अघोरी काल, आर रचना जो को है कबीरी सामाजिक सरोकारी रचना है। इनमाए राजस्थान में अकाल री स्थिति, मानखारो संघर्ष, मानखारी अबखाया और वाने मेटनरा सुझाव भी देवे। कवि ने मिनकरी मूलभूत जरूरता पूरी करण सारू राम माथे भरोसो है, राज माथे भरोसे नहीं है। अटे आप बात में एक बार फिर कहना चाहूँ कि 1960 सौ जो को लगो लग सेठिया जी फकत आध्यात्मिकता माते चल रिया है, वे चाणचक आपरी विचारधारा में बदलाव लावे और अघोरी काल में काल रो मानवीकरण करे। वे मनुष्य रो मानवीकरण या प्रकृति रो मानवीकरण तो बहुत सारा कवि करियो, लेकिन काल रो मानवीकरण जो को वे करे वो अपना में एक बहुत बड़ी बात है। 11वीं वाणी रचना है दीट, इन संग्रह में 43 रचनावां है जो को सनातन और वर्तमान ने अद्भुत समय से जोड़े। और सेठिया जी रो रचना जो को है वो एक समय और सांच दोनों ने अनुप्राणित करे, जिनमें भेद अभेद अद्वैत विवेक सुख दुख आत्मलोचन जेड़ा विषयारो काफी वर्णन है। 12वीं महत्वपूर्ण रचना है वाणी कक्को कोडरो, 1989 में आई। इनमें कुल 64 कविताओं हैं और इन काव्य में कवि पहला तो कबीर रे ढाई आखर वाली बात ने अंगेजता थका, क ने वर्णमाला रो पहलो आखर और कोड ने अर्थात कोड सु वटे वाणो मतलब है प्यार प्रेम प्रीत, प्यार ने संसार रो पहलो शब्द माने। असल में इन काव्य में कवि आपरे अंतस ने टंटोलन री बजाय आपरे परिवेश ने टंटोड़े या परिवेश री पड़ताल करे, फिर प्रकृति रे न्यारा न्यारा उपाध्याय सु या माध्यम सु आपरे गूढ़ भावारी बात रखे। और मूल रूप से जे देखा तो और संग्रह भी सामाजिक सरोकार और चिंतन से जुड़ियोड़ो है। 13वो संग्रह जो को है राजस्थानी में वाणो है लीक लकोड़िया, वो 1991 में प्रकाशित हुए। और इन जिन बात गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस री रचना सु पहले आप रो एक दोहा में लिखे कि कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। उणीज भाव ने उणीज विनय रो जो को भाव है उणीज विनय रा भाव ने सेठिया जी आपरा इन लीक लकोड़िया काव्य संग्रह रे मार्फत प्रदर्शित करे, जिनमें कवीरी विनयशीलता कवीरी शालीनता कविलो संस्कार एक नया पत्थरो निर्माण करे। सगली रचना में बहुत गंभीर है पण अटे लीक लकोड़िया अर्थरो अगर आप समझने चाहो तो लिखण रो अभ्यास करती वक्त बाग एक टाबर जो को है या टाबर आपरे हाथों आडी टेढ़ी रेखावां खींचे या आखरारी अंट संट आकृतियां बनावे वो है लीक लकोड़िया। और राजस्थानी में सेठिया जीरो जो को अंतिम काव्य है काव्य संग्रह है वो है हेमाणी। राजस्थानी भाषा में सेठिया जीरो आ रचना अपना में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनमें 63 कविताएं हैं और इनारो एकमात्र काव्य है जिनमें छंद मुक्त और छंदबद्ध दोनों भात्री कविताएं हैं। काव्य में कविरो अनुभव और शब्दारो एकाकार सामी आवे, जिनसु आपोथी काव्यरो अमरत्व प्रकट करती लागे। कवि सृष्टि ने अभेद बतार केवे के भेद मिनकरो बनायडो है प्रकृति रो नहीं, सागे ही कवि सृष्टि ने शाश्वत सत्य रो उजागर करे। कविरी आ रचना अपने आप में भाव वैभव शिल्प सौष्ठव रे कारण
बहुत महत्वपूर्ण है। और हेमाणी अंत में कविरा दुहा अनुभूति री गहराई अभिव्यक्ति री सरलता और अप्रतिम काव्य सौंदर्य री त्रिवेणी कही जा सके। इन हेमाणी री एक छोटी सी रचना आप तक राखने चाहूंगा जो को जीवन रो सत्य कथती या केवे है कि जीवन और मरण दोनों ही जामण जाया सागी भाई, जीवन और मरण दोनों ही जामण जाया सागी भाई, पण कोनी करे कदई आपस में हताई, पण कोनी करे कदई आपस में हताई। कहण रो मतलब है कि सेठिया जीरा जो को ए रचनावा हैं, चौदह रचनावा हैं, ए रचनावा समय रे साथ साथ विषय वस्तु ने लेर वाणी विचारधारा ने लेन जो सामी आवे वो जो को महत्वपूर्ण वाणी जीवन में दो पाटा में बटे वो समय है 1960। 1960 से पहला सेठिया जी की रचना प्रगतिशील है, आम जनता जुड़ोड़ी है, देश री आजादी रे आंदोलन से जुड़ोड़ी है, लोक से जुड़ोड़ी है। पर 1960 रे बाद री जितनी भी रचना में आवे वे आध्यात्मिक दर्शन सत्य साच झूठ न्याय वगैरह इन विषय ने लेन दर्शन माते आधारित है। लेकिन आ सब रचनावा माते सेठिया जीरी काव्य साधना माते राजस्थानी रा आलोचक आपरी कई दीठ रखे संक्षिप्त रूप से वा दीठ में आप सामने राखनी चाहूं। अगर राजस्थानी में आलोचनारी अगर आप बात करा तो राजस्थानी में आलोचनारी पहली पोथी नंद भारद्वाज री दोर अर दायरो मानी जावे। दोर अर दायरो में कन्हैयालाल जी सेठिया से संबंधित जो को नंद भारद्वाज जी रो आलेख है वो बहुत महत्वपूर्ण आलेख है। और वी में नंद भारद्वाज वाने आदर्श श्री सीमा में कैद सेठिया री कविता बतावे। वाणो मानणो है कि सेठिया जी री जो को रचनावा है वे एक आदर्श में बंधियोड़ी है या आदर्श में सिमटियोड़ी है। वाणिज अगर कोट करता थका दोर अर दायरो रचनारा जो को आ रचना 1981 में प्रकाशित हुई है उन दरमियान नंद भारद्वाज वाणे बारे में कई विचार रखे वे मैं आप तक उगाने चाहूं। वे लिखे कि कन्हैयालाल सेठिया एक स्थूल भोली आदर्शवादी मानवी चेतना और आपरी काव्य बोधरा कवि रहा है, एक सिमरत कवि री भावभौम विचार दीठ और कविता रे समकालीन रूप विधान रोवा में सांप्रत अभाव लखावे। आ बात कुंकू लीलटास और वारी दूजी फुटकर कविता सु पृथक साबित हुए। अलबत मिंजरी की कविता आपरे इतिहास महत्व कारण अवश्य लेखे जोगी रही और आगे ही गुंजाइश बनावे। इन पछे राजस्थानी की आलोचना देखा तो कुंदन माली री एक किताब आई समकालीन राजस्थानी काव्य संवेदना अरसिल, इनमें भी करीब 3 पेज सेठिया जी माते लिखियोड़ा कुंदन मालेरा। और वे इन बात ना लिखे कि सेठिया जी री जो को कविता है वह काल बोधरी कविता है। सेठिया जी री जो को रचना है वह काल बोधरी रचना है। तीसरा महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में मैं उल्लेख करने चाहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन देव चारण री किताब भगत री बारखड़ी। 1998 में आलोचना री आ पुस्तक सामी आवे और इन पुस्तक में प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन देव चारण लिखे कि रमणियारा सोटरा सु शुरू होयोड़ी कन्हैयालाल सेठियारी काव्य यात्रा हेमाणी ताई पुगे, लगे टगे 50 बरस री इन यात्रा में छंदा में डलियोड़ी और छंद रे बंधन सु मुग्ध रचनावा देखने ने मिले ओ एक सुगत संयोग कहो जा सके। दोनों ही ठोड़ अनुभूति है, अनुभूति रे स्तर माते वाणी कवितावा हड़की नहीं पड़े। कन्हैयालाल सेठिया आपरे परिवेश ने लेयर अणुता सावचेत है, आरे काव्य में परिवेश में आखी सृष्टि बंधियोड़ी है। पण सेठियारी रचना वाला विषय घूम फिरने वेरावे है, जका ने लेर कवि आपरी बात पहली कही चुको है। वो ही मन है, शब्द है, जीवन मरण है, सुख दुख है, ऋतुआ है, आत्मा है, परमात्मा है, माइड भाषा है। वो कवि एक एड़े सांच ने सोदणियों पागी है जो को मिनखा जूण ने इन आधुनिक युग में मिनक पणेरे पाण ओळखंडी जिद करे। इन सारू कई बार उणरी कविता आदर्श रो बखाण लागे। अब अठा बात देखी रोला कि जकी बात नंद भारद्वाज जी कह रिया है कि एक आदर्श में बंधियोड़ी है, वारी वा बात डॉक्टर अर्जुन देव चरण रे इन आलोचना में सामी आवे। वे लिखे कि कन्हैयालाल सेठिया एक रूपक रचनार है, रूपक रो कवि है और आदर्श में
बखाण लागे, यानी आ चीज तो तय है कि सेठिया जी रचनावा आदर्श में बंधुड़ी लागे। तीसरा महत्वपूर्ण रूप में एक राजस्थानी रचनाकार है भूपति राम जी साकरिया। वे आधुनिक राजस्थानी साहित्य में जो को 1969 में वाणे बारे में एक आपरी विचार लिखे साहित्य ने ले, वे लिखे कि कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के अनन्य भक्त और श्रेष्ठ कवि हैं। भावुकता, कोमलता, गंभीरता तथा दार्शनिकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। राजस्थानी भाषा के विकास का मील का पत्थर हैं गरीब, मजदूर, किसान की आवाज, आत्मा, परमात्मा तथा प्रकृति में विश्वास से परिपूर्ण इनकी रचनाएं अपने आप में अद्वितीय है। आधुनिक राजस्थानी साहित्य 1969। एक और राजस्थानी का बहुत बड़ा रचनाकार है डॉक्टर भगवती लाल जी व्यास। वे मानक नवंबर 2008 अंक में लिखे एक आलेख में कि सेठिया जी के समग्र काव्य को यदि 4 शब्दों में व्यक्त किया जाए तो मेरी विनम्र मति में वे शब्द होंगे अध्यात्म, दर्शन, सामाजिक संवेदना तथा प्रकृति। एक और आलोचक के रूप में भी आप कह सका और एक राजस्थानी साहित्यकार रूप में भी कह सका रामेश्वर दयाल सिरमालीरी जो को सेठिया जी रे प्रति दीठ है वह बहुत महत्वपूर्ण दीठ है। वाणी एक पुस्तक है आधुनिक राजस्थानी काव्य। उनरी भूमिका में वे लिखे सेठिया जी इस काव्य साधना रे बारे में, सेठिया जी रे बारे में कि कथा काव्य सो शुरू होयर लोक काव्य कने वेता थका नीति काव्य कानी मुड़र वे प्रगतिवादी कवि रे रूप में सामी आया। जठे वे पूरे जमाना ने पूछण लागे कुण जमीन रोधणी, पण कवीरी आ प्रगतिवादी देठ घणी टिकी कोनी। थोड़ा दिना पछे वे पाछा 2 कदम लार देर रहस्यवाद कानी मुड़ गया। वारी लेलटास और शब्द काव्य रचना मा इणीज मिजाजरी है। राजस्थानी भाषा और संस्कृति रे जस में मंजी जोड़ी मंडी जोड़ी कन्हैयालाल सेठियारी कविता मा राजस्थानी जन मन में गणी रची जी बसी जी आधुनिक राजस्थानी काव्य। वर्तमान में एक और राजस्थानी में महत्वपूर्ण आलोचना दृष्टि में महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी। समकालीन साहित्य और आलोचना पोथी में वे लिखे सेठिया जी के बारे में कि कन्हैयालाल सेठियारी कविता में असल में अध्यात्म, दर्शन और सौंदर्य बोधरा सजीव उदाहरण है। वारी कविताओं में मिनखा जूनरी चिंतावा और वारो समाधान ढूंढन रा उपाय सामी आवे। एक कहानी इतिहास रा उजला पाना खंगाली जोड़ा निजर आवे तो दूजी कहानी वेद पुराण उपनिषद रिद्दीट रा एनाणी सामी दिखे। अबार लाला समय 2020 में आलोचनारी एक महत्वपूर्ण पोथी प्रकाशित वी ही वह पोथी है डॉक्टर नीरज दैयारी आलोचनारी दीड़सू। वी में नीरज दैया कवि कन्हैयालाल सेठिया रे बारे में आपरा बेबाक विचार प्रकट करता लिखे कि भारतीय चिंतन विचार की अनेक मुद्राएं और सघन छवियों को उकेरती कन्हैयालाल सेठिया की कविताओं के अनेक रंग है। मानवीय संवेदनाओं के सजग कवि सेठिया ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों रूपों में जीवन को एक दार्शनिक चिंतक के रूप में देखा, साथ ही समकालीन यथार्थ की सुंदर अभिव्यक्ति से वो आधुनिक कविता के केंद्र में रहे हैं। राजस्थानी साहित्य का समकाल 2020। एक और कोटेशन जो मैं आलोचक की दृष्टि से नहीं कह सकूं लेकिन वे कन्हैयालाल जी सेठिया बहुत नजदीक रहा है, वह वाणा सुपुत्र है जयप्रकाश जी सेठिया। जयप्रकाश जी सेठिया मानक नवंबर 2009 में एक अंक प्रकाशित वियो में एक आलेख में जयप्रकाश सेठिया लिखे कि मारा बापू सा आपरे जीवन में एक टक्कोई कदई कमायो कोनी कने राखियो कोनी, वे आपरो पूरो जीवन भगवान महावीर रे परिग्रह सिद्धांत माते जियो। लेकिन आलोचनाकारी दीट से साथ इन बात ने भी अटमे कोट इन वास्ते करी हूँ कि मैं क्योंकि जयप्रकाश जी हूँ मैं जुड़ियोड़ो हूँ वाणु सुबीत तो वाने भी मैं एक निवेदन करने चाहूँगा कि महाजन रे बेटा सारू टक्का कमावनो कोई बड़ी बात को नहीं। जे कन्हैयालाल जी सेठ है टक्का कमावन लागता तो आ देश और दुनिया रे नहरी अखूट पूंजी और किरत रो कमठाण नहीं कहिजता। वे तो टक्का ने छोड़र शब्द ने चुनिया अड़स अलगा रहिया परिणाम सामी है आज मारे हरेक शब्द सु अत टपके और वो जो को किरत रो कमठाण है वो जो को जस रो भोग है वास्तव में सेठिया जी ने आज अमरता प्रदान कर दी। सेठिया जी राजस्थानी भाषा रा
सिरमौर बन गया। एक छोटा सा जिक्र में आपने और करने चाहूंगा, सेठिया जीरा साक्षात्कार भी बहुत छपियोड़ा है, वह मैं एक या दो साक्षात्कार रे आपने सामी में मानो उल्लेख करने चाहूंगा। एक साक्षात्कार सेठिया जीरो छपियोड़ो है माणक में जून 1981 में, पदम जी मेहता वो साक्षात्कार लियो। और भी साक्षात्कार में कवि सेठिया जी कवि किन्ने केवे, कविता किन्ने केवे, समाज कहीं है, साहित्य कहीं है, इन बाबत बहुत सी बातें लिखे और बतावे। लेकिन एक चीज जकी सेठिया जी मैंने बहुत महत्वपूर्ण लगी वह आ है, वे बेबा किसु आपरी कमजोरी अगर कोई है तो सेठिया जी सहर्ष रूप में स्वीकार करे, कदे आपरी कमजोरी छुपावे कोनी के नहीं सा मैं तो बहुत बड़ो हूं। पत्रकार उन साक्षात्कार में उन बंतड़ में जो को है सवाल करे कि आप मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य की कौन कौन सी पोथियां बाची, या मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य में आप कितनी पोथी आप पढ़ी हो, तो सेठिया जी हंसता थका जवाब देवे कि मैं मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य में फगत एक किताब पढ़ी हूं और वह है वेली कृष्ण रुक्मणी। अब आप कल्पना कर सको इतो बड़ो रचनाकार सहज रूप से इन बात ने स्वीकार करे, आ बहुत बड़ी बात है। उन्हीं तरह एक सामाजिक चिंतन ने लेन वाणो भी एक सवाल है कि भी आपने राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता नहीं मिली, इंडर लारे कई कारण है, तो सेठिया जी इन चिंतन में एक बतावे कि राजस्थान में महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास, मीराबाई आरे बाद में कोई बड़ो नायक नहीं है या नायिका नहीं है जिन्हें आप राष्ट्रीय स्तर माते प्रस्तुत कर सका या राष्ट्रीय स्तर माते अपनी बात रख सके, जो गुजरात में महात्मा गांधी है, सरदार पटेल है, जो राजस्थान में भी इन तरह कोई बड़ो व्यक्तित्व है तो राजनीतिक क्षेत्र में, तो राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिल जाती। अब मैं बात करनी चाहूंगा क्योंकि समय भी आपकी सीमा में है, आपरा ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 मिनट में और लेऊंगा। सेठिया जी जो को काव्य सृजन करियो है उन सेठ सृजन रेपेटे वाणी काव्य साधना रेपेटे बहुत बड़ो सम्मान भी मिलिया है। आ बात को नहीं कि सेठिया जी रे मान सम्मान में भी कोई कमी रही है, सेठिया जी रे मान और सम्मान में किणी तरह री कोई कमी नहीं है। महत्वपूर्ण रूप से एक बात में आज आपने कहने चाहूंगा कि राजस्थानी रा आलोचक सेठिया जी बाबत आपरा जो को विचार रखे, लेकिन एक बात तो आपने सबाने माननी पड़ेला कि राजस्थानी रचना सेठिया जी री रचनाओं में, सेठिया जी की कविता में पूरो राजस्थान बोले, पूरो पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरो रो पूरो आखो राजस्थान, अखंड राजस्थान आपा जी ने कह सका, वो पूरो राजस्थान सेठिया जी की रचनाओं में बोले, इनमें कोई शंका नहीं है, इनमें कटई किणी बात की संशय नहीं है। पर अठे आप एक सोचन री बात है कि सेठिया जी राजस्थानी रे बजाय हिंदी में बहुत ज्यादा काम करियो, लेकिन वाणी ख्याति जो को माइड भाषा रे पेटे वाने जो को मान सम्मान मिलियो, या माइड भाषा जो को वाने मान सम्मान दियो, या माइड भाषा जिन टाइम वाने लोक रे बिल्कुल हृदय में बिठाया, उनसु बहुत बड़ो मान सम्मान सेठिया जी ने मिलियो। जब सेठिया जी ने मान सम्मान दिया पा बात करा तो सबों पहले अगर मैं बात कर लूँ कि तो वाने हिंदी काव्य रे पेटे जो को एक बहुत बड़ो सम्मान मिलियो मूर्ति देवी पुरस्कार ज्ञानपीठ कानेसु या ज्ञानपीठ अवार्ड, इरा अलावा फुटकर पुरस्कार इसे आप कह सका कि हिंदी साहित्य रे पेटे माने मिलिया। बाकी जितना भी पुरस्कार है वे सगड़ा राजस्थानी साहित्य साधना सारू मिलिया। वे पुरस्कार में अगर मैं उल्लेख करने चाहूँ तो आप देखो जो को 2004 में भारत सरकार माने पद्मश्री दीवी, वह भी राजस्थानी साहित्य में महत्व योगदान वास्ते दिरी जी। इन्हीं तरह केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली कानीसू वाने साहित्य अकादमी अवार्ड 1976 में मिल गो वाणी पुस्तक लील टांस माते, जबकि राजस्थानी साहित्य अकादमी या राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी पुरस्कार वो बाद में मिलियो, वो 87 में मिलियो सूर्यमल मिशन सीकर पुरस्कार शब्द। इन्हीं तरह स्वर्ण कलश धरती धोरारी जो को गीत है वीर माते वे एक वृत्त बनायो, जीरो निर्देशन गौतम घोष करियो 1972 में, वीण माते भारत सरकार कानीसू माने स्वर्ण कलश दिरीजियो तो को। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर कानीसू राजस्थानी भाषा साहित्य में महत्वपूर्ण साधना सारू, महत्वपूर्ण काम सारू वाने डॉक्टरेट रिमानद उपाधि मिली यानी PhD। इन्हीं तरह भारतीय भाषा परिषद कोलकाता री तरफ सुने सतवाणी माते टाटिया पुरस्कार दिरीजियो, रामनिवास लखोटिया आशा देवी लखोटिया ट्रस्ट काने सु लखोटिया पुरस्कार मिलियो, डॉक्टर टेसी टोरी स्वर्ण पदक जो को लोक संस्कृति संस्थान चूरू वाने 1981
81 में दियो। विवेक संस्थान कलकत्ता भूतोड़िया पुरस्कार, राजस्थानी एसोसिएशन मुंबई कानीसू नहर सम्मान, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर कानीसू महाराणा कुंभा अवार्ड, इन तरह रा बहुत सारा अवार्ड और भी है जो को संक्षिप्त रूप सू, क्योंकि सेठिया जी रो व्यक्तित्व रे सामी वे अवार्ड आज आग लागे छोटा है। तो निश्चित रूप वहाँ बात तो आप कह ही सका कि सेठिया जी रो व्यक्तित्व जो को है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सार रूप में जो मारी बात आप तक रखनी चाहूँ, क्योंकि समय एक आपकी सीमा है, ज़्यादा से ज़्यादा दो मिनट में आप समय लूँगा कि सेठिया जी ने बारे में कोई भी कहीं भी विचार रख सके वाणी, क्योंकि हर एक कवि हर एक आलोचक आपकी कविता के बारे में आपका एक विचार बनावे, लेकिन मैं जो को सेठिया जी के बारे में मारी मानसिकता है वह सार रूप में आप सामी रखने चाहूँ कि सेठिया जी की रचनाओं में पूरा राजस्थान बोले। सेठिया जी री माटी री सौरम और आत्म उजास रो कवि है कन्हैलाल सेठिया। असल में कन्हैलाल सेठिया आपकी सामाजिक और राजनीतिक चेतना रे परवाने एक आदर्श समाज री स्थापना सारू नीति और कथा काव्य रे मार्फत साहित्य जगत में उतरे। हृदय माय देशभक्ति रो भाव और मायड़ भाषा रो चाव लिया जसरी ज्योत जगावे। उन्हीं जस ज्योत रे प्रकाश में वे गरीब मजदूर और धरारे असली धनी किसान रे मनरी पीड़ उजागर करे, पण छाती ठोकर सामन साई ने ललकारे कोनी। गरीबा ने वारे हक सारू लड़न री चेतना तो जगावे, पण पूंजीपतियां और सामंतारे पगा में किचरीजता आदमी रे शोषण और शोषण रा सजीव चित्राम नहीं उके रे। साहित्य री दीड़ सू कन्हैलाल सेठिया रो आपरो खुदरो लोक है, जटे शब्द है, भाषा है, संस्कृति है, आत्मा है, परमात्मा है, पाप है, पुण्य है, धर्म है, कर्म है, सरग है, नरग है, बीज है, फल है, प्रकृति है, सत्य है, ब्रह्म है। इन लोक में नर है पर नारी नहीं है। असल में आप देखो तो कन्हैलाल जी सेठिया रे पूरा काव्य में रचनाओं में आज री आधी आबादी अपन जिन्हें केवा महिला नारी वा कठे। इन लोक में नर है पर नारी नहीं है, सत्य री खोज में भटकतो जीव और चिंतन री सवारी है। सेठिया जी रे काव्य री भाषा शैली गणी श्रवण जो कही जे, ये आपकी साहित्यिक यात्रा री शुरुआत सहज और सरल और लोक परिचित राजस्थानी भाषा सु करे, जिनने लोक सरावे और आपरे कंठा बसावे, पण फगत 20 बरसा रे पछे उणारी भाषा शैली गुढ़ार्थ और गंभीर हुई जावे। सेठिया जी एक शब्द ऋषि रे रूप में सामी आवे, पण अठे आ बात ही कहनी जरूरी है कि सेठिया जी रे काव्य में ज्यों ज्यों गुढ़ और गंभीर शब्दावली रो प्रयोग हुए त्यों त्यों लोक अड़गो हो तो जावे। मायड़ भाषा रे पसराव मान सम्मान में बधापे और आम जन रे जुड़ाव रे पेठे कन्हैलाल सेठिया रो अंजस जोग योगदान रह्यो है। मायड़ भाषा राजस्थानी ने संवैधानिक मान्यता सारू आपरा प्रयास गणा सबड़ा और सराउंड जोग है, पण मायड़ भाषा रे सागे देश री राजभाषा हिंदी माय सृजन करण री परंपरा री शुरुआत करनी भाषाई दीर्सु होण ने कारण आपने कई लाभ और हानि सु भी गुजरनो पड़ियो। मारे कहण रो मतलब है कि एक स्वतंत्रता सेनानी एक समर्पित लोक सेवक अंतश्री मौलिक भावनावा मानवीय संवेदना अनुभव रो भाव तत्व ज्ञान री सरस व्यंजना रूपक रचनहार सत संस्कृति री साख गागर में सागर भरण री खिमता मायड़ भाषा री मठोट सरल गंभीर शब्दावली और अध्यात्म अनुभूति रे अजस ऊर्जा ने पाण कवि कन्हैलाल सेठिया जीवन भर मायड़ भाषा और साहित्य री सेवा में साचा मनसु समर्पित रहा। मैं आ बात निसंकोच रूप से कह सकूं कि सेठ कन्हैलाल सेठिया माटी री सौरम और आत्म उजासरा महाकवि है। थे मुरदर्रा बाजस्यो बसो कटे ही जाय सेनानी कोनी छुपे बिरथा लाख उपाय। अंत में एक मिनट के साथ एक छोटी सी घटना रो जिक्र में भी आपने करने चाहूंगा। सन 2000 में सेठिया जी रे साक्षात दर्शन करने मने सौभाग्य मिलियो। सन 2000 में उन समय सेठिया जी बीकानेर बिराजोड़ा और संयोग सू में भी राजस्थानी रा चावा उपन्यासकार देव किशन जी राजपूत रे साथे वाणी एक पोथी रे लोकार्पण में बीकानेर गयो हो। उन समय सेठिया जी सू मिलनो हुयो, मैं सेठिया जी रा दर्शन करिया और सेठिया जी रा जो को माने मिलिया रे बाद में एक संक्षिप्त रूप वाणी बात माने फरमाई। वह वाणा मूल शब्द तो मैं आपने नहीं बताऊंगा, लेकिन वह मूल शब्द ने सरल रूप में आपने सामने रखनी चाहूँ कि उन समय सेठिया जी
राजस्थानी भाषा री संवैधानिक मान्यता ने ले बहुत ज्यादा चिंतित था। वाणे मन री पीड़ एक ही थी कि मारे जीवता थका मारी मायड़ भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिल जावे, पण नहीं मिली। तो वाणा जो को मूल शब्द हा वह एक ही था कि मारे मन री पीड़ है, मारी अंतिम इच्छा है कि मारी मायड़ भाषा राजस्थानी ने संवैधानिक मान्यता मिल जावे, और अगर जे नहीं मिली तो मने मर्याई मुक्ति नहीं मिलेला। ए शब्द हा कन्हैयालाल जी सेठियारा मैं जिनटे मारी आखिरी दर्शन करिया मैं मिलिया ए वाणा शब्द हा। आप सगला रो आज मने पूरो पूरो स्नेह और सहयोग मिलियो, इन सारू मैं आप सगला रो बहुत घणे मान आभारी हूँ। आप सगला जितना भी लोग साथे जुड़ा रहा मारी बात सुनी मने सहयोग और स्नेह दियो, आप सगला रो घणे मान आभार। सागे एक बात महत्वपूर्ण रूप से आप सगला निवेदन करनी चाहूँ कि अबार रो समय कोरोना महामारी रो समय है, इन सारू आप सगला ने सावचेती राखणो है। सरकार का दिशा निर्देश तो है ही है, इंडे सागे आपने व्यक्तिगत रूप से भी सावचेत रहना है, सजग रहना है। क्यों कि अगर जीवता रहा तो साहित्य सृजन वेला, समाज वेला, देश वेला, सृष्टि वेला। लेकिन इन सारू अबार आप सगला ने सावचेती बरतनी जरूरत है। एक बार कन्हैयालाल जी सेठियार बाबत मारा विचार राखण सारू जो को अवसर प्रदान करियो, इन सारू में मरु प्रदेश संस्थान रा सगला पदाधिकारियां और खास तौर से डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कच्छा वारो गणेमान आभार ज्ञापित करूं। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। कन्हैयालाल जी सेठिया ने सादर वंदन, सादर नमस्कार। नमस्कार।